अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। अर्थ के सरफेस से एक बॉडी को, मतलब ग्राउंड से, जमीन से एक बॉडी को ऊपर की तरफ फेंका जाता है, उसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाना है। सर ये तो मोशन अंडर ग्रेविटी होगा, ऊपर जाएगा 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 और फिर अचानक से उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी और वो नीचे आ जाएगा। इस वाली लाइन में उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ता है, मतलब स्पीड बढ़ती है, और इस वाले अपवर्ड मोशन में वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड घटता है। इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ 1D मोशन। 1D मोशन का एग्जाम्पल है ये। और क्या क्या है इसमें 1D मोशन का एग्जाम्पल है? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का एग्जाम्पल होता है मोशन अंडर ग्रेविटी। तो आपने पढ़ाया था कि जब कभी भी हम XT ग्राफ बनाएंगे तो इट विल बी अ पैराबोला। तो ना ये पैराबोला है, ना ये पैराबोला है, ना ये पैराबोला है। आंसर तो यही होना चाहिए, है ना? फिर भी देखो, ये ऊपर जाएगा जाएगा जाएगा, ये रहा ए पॉइंट, बी पॉइंट और ये सी पॉइंट। तो ये ए से बी तक गया ऊपर पैराबोलिकली, बी पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो हो गई और उसके बाद नीचे आ गया सी पॉइंट पे। तुम चाहो तो हर पॉइंट पे स्लोप भी देख लो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। देखो यहाँ पर क्या हो रहा था, वेलोसिटी घट रही थी, जीरो हो गई और इसके बाद में मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी बढ़ने लगा सी पॉइंट पे, और एग्जैक्टली हो भी यही रहा है। सो दिस इज द आंसर टू द प्रॉब्लम।